वालेकुम डियर 10, कैसे हो आप लोग? आई होप के ठीक होगे आप लोग। तो आज हम एक्सरसाइज जो स्टार्ट करने चाह रहे हैं वो है 5.3 में क्या है कि अब यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट आप लोग काफ़ी टाइम ले चुके हो, अब आपको अच्छी तरह से वो आ चुका है किस तरह से करना है। सच कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है। तो काइंडली अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन मार्क करवा रही हूँ मैं आपको, पहले वो मार्क कर लीजिए कि आपने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट टेबल्स के एक्सरसाइज में करने कौन से हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने करना है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट इसका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना है सेकेंड और थर्ड पार्ट, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में आपने करना है 3 एंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। वहाँ पे भी देखें यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यानी कि हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है। हमने वेरीफाई करना है दोनों साइड, यानी कि इतनी इक्वल करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका मैं करवा रही हूँ आपको। उसमें क्या है कि आपको सेट गिवन है वो लिख दिए, और फर्स्ट पार्ट में क्या था, ए माइनस बी इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे प्रूव करना है कि ये वाली साइड इक्वल आ रही है इस साइड के, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए मैंने क्या किया, ए सेट माइनस बी सेट लिख लिया, और माइनस का आपको मतलब पता है कि हमने उसको निकाल देना इस सेट को ना। तो अब यहाँ पे आप देखो, वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, सिमिलर टर्म्स आ रही है, मीन की ये तो कैंसिल हो गया, ये तो नहीं आएगी। उसके बाद थ्री देखें, थ्री आएगा, और उसमें फोर है, फोर भी नहीं लिखेंगे, फाइव, और फिर सेवन भी नहीं आएगा, एंड देन फिर सिर्फ क्या आएगा, नाइन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब आप किस तरह से आया, आप लोग बार बार ये चीज़ कर चुके हैं तो इसलिए आई होप कि आपको ये आइडिया होगा। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अब हम सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे बी का, उसके बाहर वो जो हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ही हम उसको इंटरसेक्शन ले सकेंगे ना। तो सबसे पहले मैं इसका बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगी, ठीक है। तो पहले मैंने बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, यू माइनस बी, यू सेट आ गया, माइनस कर दिया हमने बी वाले सेट को, तो आपके पास क्या आएगा, 2, 3, 5, 6, 8, 9, ये हमारे पास क्या आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, सही है। अब जब इनका कॉम्प्लीमेंट आ गया तो ऑब्वियसली अब इसको हम इसका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन लेने के लिए नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, मैंने ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन में वही बात की आपको पता है कि दोनों में हमने वो चीज लिखनी, सेट वो लिखना होता है जो दोनों में वैल्यूज होती है वो सेम होती है, ठीक है, सेट की जो एंट्रीज होती है। अब यहाँ पे थ्री इसमें भी है, इसमें भी है, तो थ्री लिख दिया। उसके बाद देखो फाइव इसमें भी, इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो इसका मतलब है फाइव भी हम लिखेंगे। उसके बाद नाइन इस सेट में भी है तो नाइन भी आ जाएगा, ठीक है। वही बात जैसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी 5.2 में भी करवाया था कि अभी जब हम प्रूफ करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल एक सेट आया होता है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कह लो के आया होता है, उसको हम एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर आता है, सेट आता है, उसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से दैट के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है आपके पास राइट हैंड साइड के। तो हेंस हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि आपके पास प्रूफ हमारे पास क्या हो गया कि ए माइनस बी इक्वल है किसके, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। आगे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस तरह से दिया हुआ है, जो डिमॉर्गन्स लॉ की तरह है, वो आप लोग पहले कर चुके हो। और क्वेश्चन नंबर इसका जो फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें भी ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी आप पहले ए माइनस बी करोगे, एंड देन उसका ए माइनस बी का जो सेट आया होगा आप यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यहाँ पर भी सब आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और जो उसका सेट आया होगा तो उसका फिर डी के साथ यूनियन कर दोगे तो दोनों आपके पास इक्वल वैल्यूज आ जाएंगी। और उसको इसी तरह से आप लिख दोगे कि प्रूव कर लिया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें कि आप जब हम सेकंड क्वेश्चन अटेंड करोगे आप लोग, अब आप लोग खुद ही कर लीजिएगा इसको, ये आपका होमवर्क है क्योंकि आप काफ़ी अब हम लोग कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब ये कर लेंगे खुद से।
इसका भी सेकंड और थर्ड पार्ट आपने करना है क्वेश्चन नंबर टू का, तो उसमें भी देखिए इंटरसेक्शन है देन। अच्छा यहाँ पे देखो कि इंटरसेक्शन और वो आपका सेकंड पार्ट की मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नंबर टू का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल और इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, जो इसका आंसर आएगा जो सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे सी वाले सेट के साथ, ठीक है। और फिर ये आप राइट हैंड साइड लोगे, राइट हैंड साइड में पहले आप क्या करोगे बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करोगे, उसका जो सेट आएगा उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, ए वाले सेट के साथ। तो फिर आप देखिएगा कि आपके जो दो सेट फाइनल सेट आ रहे होंगे उनका आंसर जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप यूनियन या इंटरसेक्शन जो भी सेट के साथ बन रहा है वो लेंगे, तो आपका आंसर जो है वो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे, उसमें आपने वेन डायग्राम बनानी है तो वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनेगी। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।